एक साधारण व्यक्ति साल भर में लगभग 3,000 कॉल्स करता है और दिन के लगभग 8 कॉल्स। आपने कभी ये सोचा है कि किस प्रकार से एक कॉलर और रिसीवर के बीच में एक कॉल स्थापित होती है? अगर नहीं, तो आइए हम आपके लिए वीडियो लाए हैं, हाउ अ कॉल इज मेड। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है सोलन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। आज हम इसमें जानेंगे कि फोन के क्या फंक्शन होते हैं जब एक कॉल मिलाई जाती है या जब एक कॉल उसके पास आती है, और जानेंगे कि किस किस टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं इसके बीच में ताकि एक कॉल स्थापित हो पाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉल लगाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी एक फ़ोन की, और एक फ़ोन के तीन इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। हम इन फंक्शन को बारी बारी से समझते हैं। पहला फंक्शन फ़ोन का ये रहेगा कि जो साउंड वेव है हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्योंकि फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही समझ पाएगा। ये कन्वर्ट होती है माइक्रोफोन की मदद से। माइक्रोफोन आपके साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद हमें उसको एज अ डेटा स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी कन्वर्ट करके प्रॉपर स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि डिजिटल फॉर्म में, जीरो और वन की फॉर्म में। तो इसका कार्य जो है ये संपन्न करता है हमारे फोन के अंदर की माइक्रोचिप। माइक्रोचिप जब इसको कन्वर्ट कर देती है डिजिटल फॉर्म में, तो उसके बाद हमें इसको भेजना होता है एंटीने के थ्रू। पर एंटीने के थ्रू हम इसको तभी भेज पाएंगे क्योंकि डिजिटल फॉर्म में हमारा डेटा ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता, तो हमें एक और वे चाहिए होगी जिसके थ्रू हम इसको भेज पाएं। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी रेडियो वेव की। तो हमारा फोन एक रेडियो की तरह काम करता है उस समय, और रेडियो वेव के थ्रू, यानी कि एक ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजता है, ट्रांसमिट करता है फोन एंटीने के थ्रू। अब ये ट्रांसमिट होके कहाँ जाता है? ये जाता है हमारे नियर बाय टावर पे। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे टावर कह सकते हैं, पर टेक्निकली इसको सेल टावर कहा जाता है, या फिर कहें बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, बीटीएस कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक टावर जितने एरिया को कवर कर सकता है उसको हम कहते हैं सेल। अभी सेल ज्यादातर हेक्सागोनल की फॉर्म में होता है, हेक्सागन की फॉर्म में होता है, और नंबर ऑफ टावर हमारे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ यूजर पे। यानी कि शहरों में जैसे आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, नंबर ऑफ यूजर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से एक टावर पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूजर को ही सस्टेन कर सकता है। तो नंबर ऑफ टावर्स अर्बन एरियाज में बढ़ जाते हैं, यानी कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। वहीं गांव के क्षेत्रों में या दूर देहात में नंबर ऑफ यूजर्स कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वहां पे टावर्स क्या होते हैं, कम लगाए जाते हैं। आपकी जब कॉल बीटीएस तक पहुंचती है तो उनके सिग्नल काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं, यानी कि उस कॉल की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा तक वीक हो जाती है। मैंने आपको बताया था वो ईएम वेव में ट्रांसफर हो रहे हैं, और ईएम वेव इंटरफेयर करती है ऑब्स्टिकल से, रुकावटों से, या और ईएम डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल होता है। हालांकि वो प्रॉपर इंटरफेरेंस कहना सही नहीं रहेगा, उनके जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। तो बीटीएस का मेन काम ये रहता है कि वो जो फेंट सिग्नल बीटीएस तक आ रहे हैं उसको दोबारा से उनको एम्पलीफाई करना है, दोबारा से उस सिग्नल को बूस्ट करना है। तो ये काम करेगा बीटीएस। इसके अलावा बीटीएस के पांच मेन फंक्शन और होते हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। ट्रांस रिसीवर, ट्रांस रिसीवर से समझो कि ये ट्रांसफर भी करेगा सिग्नल, और यही तो टावर रिसीव भी करेगा। आपकी कॉल अगर यहाँ इस टावर के थ्रू जा रही है तो आपकी कॉल इसी टावर के थ्रू वापस भी तो आएगी। एम्पलीफायर, जैसे कि मैंने बताया
जो भी फेंट सिग्नल होंगे, वीक सिग्नल होंगे, उसको एम्पलीफाई करके, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, ये दोबारा से उस वीक सिग्नल को एज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल करके आगे भेजेगा। क्लॉक मॉड्यूलेशन, क्लॉक मॉड्यूलेशन टेलीकॉम की टर्म में काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म है ये क्लॉक मॉड्यूलेशन। हर एक टावर पे एक पर्टिकुलर क्लॉक होती है, एक डिजिटल क्लॉक होती है जो कि हर एक टेलीकॉम डिवाइस के साथ सिंक्रोनाइज होती है, हर एक ऑपरेटर की। जैसे कि जियो की टेलीकॉम क्लॉक होगी वो सिंक्रोनाइज होगी हर एक जियो के इक्विपमेंट के साथ। उसके बाद मक्स एंड डीमक्स। मक्स का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, यानी कि जितने भी सिग्नल आ रहे हैं आप उसको एक ही तो BTS के थ्रू भेज रहे हैं, तो सब सिग्नल अलग अलग करके तो नहीं जाएंगे, वो जाते सारे सिग्नल एक ही मीडियम के थ्रू है। हो सकता है ये माइक्रोवेव के थ्रू आगे ट्रांसमिट हो रहे हो या फिर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, तो इसको कहते हैं मक्स, यानी कि मिलाना, सारे सिग्नलों को एक साथ मिला दिया है और उसको BTS के थ्रू हम आगे भेज रहे हैं। डीमक्सिंग इसका रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि जो सिग्नल मिक्स हो चुके हैं तो उसको हर एक को सिग्नल को अलग अलग करना है और उसको फिर आगे भेजना है। तीसरा होता है अलार्म। अलार्म का काम ये होता है इन केस कि किसी भी BTS में कुछ खराबी हो जाए, तो उसके लिए हर एक ऑपरेटर के पास उसकी इंफॉर्मेशन चले जाए, तो उसके लिए हम अलार्म का यूज करते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जो भी आप बोल रहे थे, जो साउंड वेव थी, उसको सबसे पहले फ़ोन कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर उसके बाद उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और एंटीना के थ्रू मैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू वो भेज देता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हमारे नियर बाय सेल टावर या BTS तक जाते हैं, जहाँ वो एम्पलीफाई हो जाते हैं, जहाँ उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाती है और फिर उनको BSC तक भेज दिया जाता है। दोस्तों अभी BSC क्या होता है? BSC का मतलब होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर, यानी कि कई सारे BTS टावर मिलके अपना जो सिग्नल होते हैं वो आगे BSC तक भेजते हैं। अब वो BSC फिर जाके नंबर ऑफ BSC फिर जाके मिलके कई BSC मिलके उस सिग्नल को फिर से मिला के भेजता है आगे MSC तक। अब ये MSC क्या होता है? ये होती है मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर, ठीक है, या फिर मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये जो सारी टर्म्स मैंने यूज़ की, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो चुकी हैं। आओ इसको हम एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, साउथ, साउथ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, तो इस प्रकार से हम एरिया को डिवाइड कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास के जो टावर हैं, जितने भी हमें आसपास नॉर्मली टावर दिखते हैं, उसको हम मान लेते हैं वो है BTS, यानी कि बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम। तो ये BTS हमारे आसपास लगे होते हैं, तो मान लो कि 50 BTS का सिग्नल एक BSC तक जाता है, बेस स्टेशन कंट्रोलर तक। तो पूरे नॉर्थ दिल्ली का सिग्नल जो भी डेटा होगा वो सारे BTS कलेक्ट करेंगे और उसको एक BSC तक भेजेंगे। फिर उसी तरह से वेस्ट दिल्ली के, उसी तरह से न्यू दिल्ली के, तो सब अपने अपने BSC तक सिग्नल भेज देते हैं, डेटा भेज देते हैं। उसके बाद ये सारे BSC मिलके सिग्नल आगे भेजते हैं MSC तक। हर एक शहर में केवल एक ही MSC होता है, यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर केवल एक ही होता है। जियो वालों के लिए, जो जियो टेलीकॉम में काम करते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। MSC को हम कहते हैं AG2, BSC को हम कहते हैं AG1, यानी कि जितना भी हम कॉल करते हैं या डेटा यूज करते हैं, सारा का सारा MSC के थ्रू ही होकर जाता है। MSC दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर कस्टमर की सारी डिटेल स्टोर होती हैं, उसका IMEI नंबर, जो सिम का IMEI नंबर होता है वो सारा स्टोर होता है, कस्टमर की डिटेल्स स्टोर होती हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और उसके अलावा हम MSC के थ्रू ये जान सकते हैं कि एक्चुअल में
किस BTS किस सेल टावर के आसपास या किस सेल टावर को यूज़ कर रहा है, तो उसके थ्रू उसकी करंट लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है कि एक्चुअल में उस सेल टावर के दायरे में ही वो जो व्यक्ति है वो यूज़ कर रहा है हमारी सर्विसेज। अरे भाई, इसी का तो इस्तेमाल पुलिस करती है जब उसको क्रिमिनल को पकड़ना होता है। तो अब हमारी कॉल के दौरान MSC का क्या यूज़ है? MSC तक जब हमारी कॉल आ जाती है तो MSC वैलिडेट करता है कि भाई जिस व्यक्ति को, यानी कि जो कॉलर है, जिस रिसीवर को कॉल कर रहा है, उसके पास वैलिडिटी है नहीं है, उसका प्लान चल रहा है नहीं चल रहा, या वो किसी और कॉल पे व्यस्त तो नहीं है। तो यदि सब कुछ सही हो जाता है, यानी कि आपके पास भी रिचार्ज है, उसके पास भी रिचार्ज है, वो कॉल पे नहीं है, सारी चीज़ें जब ओके हो जाती हैं, तो MSC ये इस कॉल को फॉरवर्ड कर देता है। कॉल को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, यानी कि अब हम उसे कहेंगे कॉलर MSC, यानी कि हो सकता है वो व्यक्ति दिल्ली के बाहर का हो। तो ये MSC दूसरे MSC के साथ लिंक होती है। वो जो MSC होगी वो पता कर लेगी कि आप किस एरिया के व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, और सारी MSC अटैच होती हैं, यानी कि जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू। तो वो MSC रिसीवर के MSC को सारी इंफॉर्मेशन देती है, और ये जो सारा प्रोसेस है फिर से रिवर्स में जाता है, यानी कि रिसीवर का MSC वो जो सिग्नल होगी, डेटा होगी, वो देगा रिसीवर के BSC को, फिर रिसीवर का BSC वो जो डेटा होगा वो देगा रिसीवर के BTS को, और उसके बाद फाइनली कॉल EM वेव के थ्रू पहुंच जाती है रिसीवर तक। आइए इसको एक कंप्लीट डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो एक कॉलर ने कॉल की, कॉल गई BTS तक, सेल टावर तक, फिर इसी तरह बहुत सारी कॉल्स हुई होंगी, तो बहुत सारे BTS टावर तक गई होंगी, तो वो BTS टावर सारी कॉल्स मर्ज करेगा BSC तक, बहुत सारे BSC होंगे उस शहर के, तो वो सारे BSC मर्ज कर देंगे उस कॉल या डेटा को MSC तक। फिर MSC पता लगाएगी कि उसको डेस्टिनेशन क्या है, उसको कॉल को जाना कहाँ है, तो उस हिसाब से वो दूसरा MSC सिलेक्ट करेगी, कि यानी कि दिल्ली का MSC सिलेक्ट करता है, यानी कि समझ लीजिएगा एग्जांपल के थ्रू, आप दिल्ली से मुंबई बात करना चाहते हैं, तो दिल्ली का MSC मुंबई के MSC को ये इन्फॉर्मेशन देगा। इन्फॉर्मेशन अगर वैलिडेट हो जाती है तो फिर मुंबई का MSC मुंबई के BSC को ट्रांसफ़र करेगा कॉल, फिर BSC ट्रांसफ़र करेगा BTS को कॉल, और इसके बाद रिसीवर तक कॉल पहुँच जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पे, सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और यदि किसी को टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए टेलीकॉम से रिलेटेड तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल ID आपको स्क्रीन में दिख जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।